पुरी के बाद दूसरे सबसे बड़े आतंकी हमले में पुलवामा में जम्मू कश्मीर में 18 से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने जो वीरगति प्राप्त की और 35 से अधिक हमारे जवान जो घायल हैं, इस कायरतापूर्ण उग्रवादी हमले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कठोर से कठोर और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वीरगति प्राप्त हुए 18 हमारे सेना के जवानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति हमारी दिली संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। घायल हुए हमारे जवानों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं और जल्दी से जल्दी वो कुशल हों और दोबारा देश सेवा के मार्ग पर वापस लौटें, ऐसा परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। मोदी सरकार में ये 17वां बड़ा उग्रवादी हमला है पिछले 5 साल में। पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा अटैक, सुंजवान आर्मी कैंप अटैक और न जाने कितने और छोटे और बड़े हमले मोदी सरकार की नाक के नीचे आए दिन हमारे सैनिकों हमारे जवानों के ऊपर होते हैं। मोदी सरकार में ही शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का सर काटकर पाकिस्तानी उग्रवादी और वहां की सेना के लोग ले गए पर मोदी जी चुप रहे। 5000 से अधिक बार जम्मू कश्मीर पर हमारी सीमा का उल्लंघन दिन दहाड़े पाकिस्तान की सेना के द्वारा किया गया पर मोदी जी चुप रहे। 448 से अधिक जवान अकेले जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए। 280 निर्दोष नागरिक मारे गए पाकिस्तान द्वारा निर्यातित उग्रवादी हमलों के अंदर पर मोदी सरकार चुप रही। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे और शेखी तो बघारती है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलि की वेदी पर कुर्बान कर दिया है। आए दिन जब हमारे जवानों के शव वीरगति प्राप्त कर भारत माता का झंडा उठाकर पाकिस्तान के उग्रवादियों से लड़कर पाकिस्तान की सेना के कुख्यात घात लगाकर हमलों से लड़कर वापस आते हैं तो देश का राजनीतिक नेतृत्व वो केवल चुप देखता रहता है। सच्चाई ये भी है कि बार बार इन होते उग्रवादी हमलों का न मोदी सरकार नियंत्रण कर पाई है, न पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाकर कोई जवाब दे पाई है। उरी के बाद ये दूसरा बड़ा उग्रवादी हमला जिसमें 18 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, 35 जवान आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी फुर्सत भी नहीं कि वो दो शब्द संवेदना के कह पाए। देश जवाब मांगता है, देश जवाब मांगता है सेना के रणबांकुरों की कुर्बानी का। देश जवान मांगता है आए दिन पाकिस्तान से आयातित उग्रवाद से लड़ने के बारे में। देश जवाब मांगता है देश की सीमा की उल्लंघन का पाकिस्तान के द्वारा। देश जवाब मांगता है पाकिस्तान के द्वारा हमारी सेना के जवानों के सर काटने का। और देश जवाब मांगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मोदी सरकार द्वारा घोर समझौते का। मोदी जी, देश की ओर से, देशवासियों की ओर से, 135 करोड़ भारतीयों की ओर से हम पूछना चाहते हैं वो 56 इंच का सीना इस उग्रवाद को माकूल जवाब देगा कब? इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।